हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल सुप्रभात एंड नमस्ते। और आज हम 28th ऑफ जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर आपको डाउट रहता है कि शुगर केन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है, इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट लीड कर रहा है, या आपको डाउट रहता है कि पल्सेस के मामले में दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन भी जाते हैं, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम या स्टेट एग्जाम को दे रहे हों। तो आज हम इसी डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज हमारी एक पहली रिपोर्ट है जो हमें डिस्कस करनी है। रिपोर्ट क्या है आप देख सकते हैं, स्टैटिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। ठीक है, इस रिपोर्ट को रिसेंटली NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफिस ने रिलीज किया है। तो इस रिपोर्ट के हाईलाइट को हम कवर करेंगे। इसके अलावा सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमें कवर करना है वो है नवरत्न कंपनी। हमारे देश में अब 21 नवरत्न कंपनी हो गई है। तो नवरत्न कंपनी कैसे बनती है, क्या क्राइटेरिया होता है, किसी कंपनी को अगर नवरत्न कंपनी बना दिया जाए तो उसके फायदे क्या होते हैं, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे 100 नंबर के मेंबर के बारे में, 100वें नंबर का सदस्य जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, वो भी हम देखेंगे। वीडियो के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन मिलेंगे, जैसे कि कपिल देव जी के बारे में बात करने वाले हैं। और फिर आपको मिलेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सबसे पहले एक रिपोर्ट के साथ, जो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ठीक है, रिपोर्ट का टाइटल आपको क्लियर हो चुका है। इस डेटा में 2011-12 में जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर का, उसका कंपैरिजन 22-23 के डेटा के साथ किया हुआ है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। ठीक है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस विच इज वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट को रिलीज किया है। एंड रिपोर्ट का टाइटल है स्टैटिकल रिपोर्ट ऑन द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर 2024। जैसे कि कहा गया कि एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर के अलावा लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी सेक्टर को कवर किया गया है। और अगर इन चारों सेक्टर की बात करते हैं तो इन चारों सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है वो 18.2% की ग्रोथ हुई है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर अकाउंटेड फॉर 18.2% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA एट द करेंट प्राइस इन 22-23। तो हमारे टोटल जो GVA है, तो GVA में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 18.2% आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि चार सेक्टर हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इन चारों सेक्टर में क्या हुआ है पहले हम देखते हैं, इंक्रीज हुए हैं, डिक्लाइन हुए हैं, प्रोडक्शन क्या हुआ है। तो जो फिशरी, एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लाइफ स्टॉक, ये तीन जो सेक्टर हैं, इन तीनों सेक्टर में आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब इंक्रीज हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फिशिंग के बारे में, 4.2 यहाँ पे प्रोडक्शन था जो इंक्रीज होकर 6.9% प्रोडक्शन हो गया है फिशरी सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं कि फिशरी जो सेक्टर है उसमें 6.9% का आपको प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 4.2% इन 2011-12। सिमिलर अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो 11-12 में 7.8% था, इंक्रीज होकर 7.9% हो गया, मतलब अगेन इंक्रीज हुआ है। लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर 25.6% था 2011-12 में, जो इंक्रीज होकर 30.9% हो गया है इन 22-23, मतलब यहाँ भी इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप क्रॉप की बात करते हो तो यहाँ पर आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब डिक्लाइन हुआ है आपका आउटपुट प्रोडक्शन। 2011-12 में क्रॉप का प्रोडक्शन 62.4 से डिक्लाइन होकर ये 54.3 हो गया है। ठीक है, यही रीज़न है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में काम नहीं कर पा रहे हैं, हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है जिस तरीके से, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई है उसके कारण आप देखो, और हमारा जो ज़मीन का फर्टिलिटी है वो भी डिक्लाइन हुआ है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्शन कम देखने को मिल रहा है। राइट, तो ये आपके चारों सेक्टर हो गए, एक एक करके हम बात करेंगे। अगर हम सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, टोटल प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन क्रॉप्स का है 54.3%, देन लाइफ स्टॉक का 30.9%, देन फॉरेस्ट्री 7.9% एंड फिशिंग 6.9% सेक्टर वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो इन पूरी क्रॉप्स को हमने 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे कि आप देख सकते हो, सेरल, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन,
ठीक है, इसके अलावा आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल, स्पाइसेस, इस तरीके से 12 कैटेगरी में हमने पूरी की पूरी क्रॉप्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। हमें पूरी कैटेगरी नहीं पढ़नी है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे सेरल्स के मामले में, तो सेरल्स के मामले में आपको टॉप देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शुगर केन के मामले में और सेरल्स के मामले में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। याद रखेंगे सेरल्स एंड शुगर केन के मामले में उत्तर प्रदेश आपको टॉप स्टेट देखने को मिल जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सेरल एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल ये दो बहुत बड़े ग्रुप हैं। अगर हम टोटल जो क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इस टोटल क्रॉप प्रोडक्शन में 55% शेयर किसका है, सेरल्स का है एंड आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल का है। तो सेरल्स में टॉप पर है उत्तर प्रदेश, वहीं फ्रूट एंड वेजिटेबल पर टॉप पर कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल पर टॉप पर देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे सेरल का डेटा देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन गुजरात, देन वेस्ट बंगाल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रूट एंड वेजिटेबल में टॉप पर कौन है, तो वेस्ट बंगाल है। तो हाईएस्ट आउटपुट उत्तर प्रदेश का है सेरल्स में और शुगर केन में, और लोवेस्ट आउटपुट आपको सेरल्स में मिलेगा लक्षद्वीप का। ओके, डन। चलो नेक्स्ट आता है लाइव स्टॉक। यहाँ पे जो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2011-12 में हमारा जो प्रोडक्शन था वो 487,000 करोड़ रुपीस का था, जो इंक्रीज होकर 878,000 करोड़ रुपीस हो गया है इन 22-23। ओके है जी। अब यहाँ पर जो लाइव स्टॉक है इसमें आपको 7 कैटेगरी मिलती है, मतलब पूरे लाइव स्टॉक को आपने 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि मिल्क, मीट, एग, हनी, कोकोनट एट्सेट्रा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ लाइव स्टॉक में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो मिल्क सेक्टर का है। मिल्क सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 66.5 है, देन मीट एंड देन एग का है। सो लाइव स्टॉक में टॉप पर कौन सा स्टेट है, आंसर हो जाएगा राजस्थान टॉप पर है। राजस्थान के बाद सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश आपको मिल जाएगा। ठीक है, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश टुगेदर कंट्रीब्यूट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द लाइव स्टॉक आउटपुट एट द कांस्टेंट प्राइस इन 22-23। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश का है। आप यहाँ पे टॉप 5 स्टेट देख सकते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं लाइव स्टॉक प्रोडक्शन के मामले में। लोवेस्ट आउटपुट किसका है, तो लोवेस्ट आउटपुट आपको गोवा स्टेट का देखने को मिलेगा। हाईएस्ट देख लिया और लोवेस्ट देख लिया। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री। सो फॉरेस्ट्री में आपके इंडस्ट्रियल वुड आती हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट आते हैं, फ्यूल वुड आती है, काफ़ी सारी चीज़ें फॉरेस्ट्री के अंदर आती हैं। तो फॉरेस्ट्री सेक्टर में भी जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज़ हुआ है। आप देखेंगे 2011-12 में 149,000 करोड़ रुपी का बिजनेस था, जो इंक्रीज़ होकर 223,000 करोड़ रुपीज़ का हो गया है इन 2022-23। तो फॉरेस्ट्री सेक्टर में भी ग्रोथ हुई है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है इंडस्ट्रियल वुड में, विच इज़ 68%। टॉप स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है 16.4%। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान एंड देन यूपी आपको देखने को मिल जाएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी फॉरेस्ट्री में। नेक्स्ट आता है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। तो यहाँ पर हम ब्लू इकोनॉमी पे तो फोकस करते ही हैं, तो बिल्कुल फिशिंग सेक्टर हमारा इंक्रीज हुआ है। आप देखेंगे 2011-12 में 80,000 करोड़ का मार्केट था, नाउ 22-23 में ये 195,000 करोड़ का मार्केट है। एंड टॉप स्टेट है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश टॉप पर है एंड बॉटम पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बॉटम पे अरुणाचल प्रदेश और टॉप पर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में। डन। तो इस तरीके से आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स को कवर किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि पल्सेस, जो आपकी चना दाल, तुअर दाल वगैरह होते हैं ना, दालों के मामले में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश टोटल प्रोडक्शन का 22% शेयर करता है। नेक्स्ट है गुजरात और राजस्थान, ये आपके ऑयल सीड प्रोडक्शन में। ठीक है, ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन में गुजरात एंड राजस्थान टॉप पर है। शुगर केन में उत्तर प्रदेश है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में आंध्र प्रदेश है, फ्रूट एंड वेजिटेबल में वेस्ट बंगाल है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते हैं, राइट। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अगर आप कोई थोड़ा हाई लेवल का पेपर दे रहे हैं, लाइक यूपीएससी टाइप का पेपर दे रहे हैं, तो आपसे फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सिंपल सी बात है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 18.2% है जीबीए में। नेक्स्ट है क्रॉप सब सेक्टर शेयर इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम द 54.3 इन 2011-12 टू 62.4 इन 22-23।
मतलब क्रॉप सब सेक्टर में इंक्रीमेंट देखा गया है। तो अभी मैंने बताया है कि आपका क्रॉप सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, बाकी तीनों अलग सेक्टर में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेरल में फर्स्ट पे है, वेस्ट बंगाल फ्रूट एंड वेजिटेबल पे है, ठीक है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है वो दोनों क्वार्टर ऑफ द लाइफ स्टॉक आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, तो सभी स्टेटमेंट सही है एक्सेप्ट स्टेटमेंट नंबर टू। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डन इतनी चीजें, चलिए अब अगली कहानी समझते हैं। आई थिंक रिपोर्ट की जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे और ये आपको हेल्पफुल भी रहेंगे आने वाले एग्जाम में। स्टेट एग्जाम जनरली ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा पूछता है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर इसके पहले मैं पीडीएफ के बारे में बता दूं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या सिंपली आप सर्च कर सकते हैं पूजा जैन सीए 247। ओके है जी। अच्छा, आप में से कौन कोई है जिसका अभी सीपीओ का पेपर था या होने वाला है, मतलब 27th of June को कोई ऐसा पर्सन है जो सीपीओ का पेपर देकर आया है? अगर बिल्कुल देकर आया है तो आप मेरे साथ अपने जो फीडबैक है, जो आपने एक्सपीरियंस किया पेपर में, जनरल अवेयरनेस का लेवल क्या था, तो वो शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे मैसेज करके। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे नवरत्न स्टेटस। रिसेंटली मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को नवरत्न स्टेटस दिया है और ये हमारा 21 नंबर का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बन चुका है जो कि नवरत्न कैटेगरी में आता है। मतलब टोटल हमारे देश में जो कंपनी है नवरत्न कंपनी, उनकी संख्या 21 हो चुकी है, ठीक है। द लीडिंग शिप बिल्डिंग यार्ड इज नाउ द 21st नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इन द कंट्री, थर्ड अमंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड द फर्स्ट शिपयार्ड टू द अचीव दिस। तो ये थर्ड नंबर की डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ओवरऑल 21st नंबर की पब्लिक सेक्टर कंपनी है और पहले नंबर का शिपयार्ड है जिसको नवरत्न स्टेटस दिया गया है। आप लोगों ने एक और शिपयार्ड के बारे में सुना होगा, GRSC, जिसके बारे में अक्सर हम बातें करते रहते हैं। तो GRSC जो है वो मिनीरत्न कैटेगरी 1 में है, ठीक है। ये मिनीरत्न कंपनी में है, मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी में आपको GRSC देखने को मिलेगा और इनका टारगेट है कि 2030 तक ये नवरत्न कैटेगरी में आ जाए, ये नवरत्न कैटेगरी में आ जाए इनका टारगेट है, पर फिलहाल अभी ये मिनीरत्न कैटेगरी 1 में है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहला शिपयार्ड है मजगांव डॉक शिप बिल्डर जिसे नवरत्न कैटेगरी में रखा गया है रिसेंटली। ओके है, कोई भी कंपनी जो नवरत्न कैटेगरी में आती है उसको पहले कंडीशन है कि वो मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो, फिर सेकंड क्लास में पढ़ते हो, फिर आप बाद में कॉलेज जाते हो ना, डायरेक्ट कॉलेज तो जाते नहीं, धीरे 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 अपग्रेड होता है। वैसे सबसे छोटा अगर आप देखोगे तो मिनीरत्न कैटेगरी 2 कंपनी होती है, देन मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, उसके बाद नवरत्न होता है और उसके बाद महारत्न कंपनी होती है। तो अगर नवरत्न कंपनी बनना है तो आपको मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी होना मैंडेटरी है, तभी आप नवरत्न में अपग्रेड हो सकते हो। तो बिल्कुल 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने मजगांव डॉक शिप बिल्डर को मिनीरत्न कैटेगरी 1 कंपनी में स्टेटस दिया था और अभी अपग्रेड होकर नवरत्न कंपनी बन गई है, ठीक है। इतनी चीजें ओके है। इसके अलावा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में 47.21% स्टेक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का भी आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 47% स्टेक किसके हैं, इन भाई साहब के हैं, मजगांव डॉक शिप बिल्डर के, ठीक है। गवर्नमेंट के शेयर आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे मजगांव में। गवर्नमेंट के अगर हम शेयर देखते हैं तो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 84.8% आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किया था, क्या पोस्ट किया था कंपनी ने, कंपनी ने कहा था कि हमारा जो टर्नओवर रहा है वो 9,467 करोड़ है और नेट प्रॉफिट हमारा 1,845 करोड़ रहा है FY 2023-24 में, ऐसा इन्होंने पोस्ट किया है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिलहाल अब हम बात करते हैं नवरत्न स्टेटस कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी को नवरत्न स्टेटस देने के लिए उसे मिनीरत्न कंपनी होना जरूरी है, पहली चीज। इसके अलावा जो आपके 6 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, अलग अलग परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, तो 6 जो आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनमें ओवरऑल आपकी जो रेटिंग है, आपको जो रेटिंग दी जा रही है मिनिस्ट्रीज के द्वारा, वो कैसी होनी चाहिए, वेरी गुड या एक्सीलेंस होना चाहिए और आपका जो स्कोर है वो 60 या उससे अबव होना चाहिए, तभी आपको नवरत्न कैटेगरी में रखा जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात है। अगर हम फाइनेंशियल क्राइटेरिया देखते हैं किसी भी कंपनी को नवरत्न बनाने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ कि उसका नेट प्रॉफिट मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज़ होना चाहिए फॉर 3 कॉन्जिगेटिव ईयर, ठीक है। तो इसका नेट प्रॉफिट है जो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए 3 लगातार सालों में।
अगर बात करते हैं एनुअल टर्नओवर, तो इनको एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए मेंटेन करना होता है 3 इयर्स में, और एनुअल एवरेज जो नेट बर्थ है वो आपका 15,000 करोड़ रुपीज़ होता है फॉर 3 इयर्स। अगर आप इन फाइनेंशियल कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप नवरत्न कंपनी बन सकते हो, और अगर आप एक बार नवरत्न बन गए तो अगेन कुछ क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप उनको फुलफिल कर लो तो महारत्न कंपनी बन सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको महारत्न कंपनी के स्टेटस के बारे में बताऊं तो कैसे ये स्टेटस मिलता है, तो सबसे पहली चीज़ तो कंपनी को नवरत्न होना चाहिए महारत्न बनने के लिए। सेकेंड, आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट में रजिस्टर तो होना ही चाहिए, इसके अलावा आपकी अच्छी खासी पब्लिक होल्डिंग भी होनी चाहिए, आपका ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ रुपीस होना चाहिए एटलीस्ट आपके 3 इयर्स में, एवरेज एनुअल नेट बर्थ रुपीस आपका 15,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में, और एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आपका क्या होना चाहिए 5,000 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स में। तो ये आपकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, अगर ये फुलफिल होती हैं तो कंपनी नवरत्न से अपग्रेड होके महारत्न कंपनी बन जाती है। ठीक है, बेनिफिट क्या होते हैं, कोई भी कंपनी अगर नवरत्न कंपनी बन गई है तो उसके फ़ायदे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि इनको ऑपरेशन करने की थोड़ी सी फ्रीडम हो जाती है। ठीक है, ये अपने फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशनल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इनको राइट्स मिल जाता है कि आप अपनी सब्सिडरी बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर बना सकते हैं, ये इनको राइट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा दे कैन इन्वेस्ट अप टू द 1,000 करोड़ रुपीस और 15% ऑफ देयर नेटवर्थ, अपनी नेटवर्थ का 15% और अप टू 1,000 करोड़ रुपीस आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना, ये आपको राइट्स मिल जाते हैं अगर आप नवरत्न कंपनी है। They also have the liberty to invest up to 30% of their net worth within a year, as long as it stay under the 1,000 crore. अगर आपका नेट वर्थ कम है तो आप अप टू 30% तक नेट वर्थ का इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, लेकिन वो 1,000 करोड़ के अंदर होना चाहिए। तो ये कुछ लिबर्टी या फ्रीडम्स मिल जाती हैं अगर कोई कंपनी नवरत्न कंपनी बन जाती है। तो अगर हम बात करें कि टोटल हमारे देश में जो नवरत्न कंपनी है वो 21 है, ये पूरी लिस्ट है, ये तो 16 कंपनीज है जो पुरानी वाली हैं, इनको आप स्किप कर सकते हो, इनके नाम याद रखने की एज सच उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो नई कंपनीज बनी हैं ये इनके नाम आपको याद रखने हैं कि आपकी जो 17th नंबर की नवरत्न कंपनी थी वो मैंने आपको डिस्कस की थी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, मतलब इरिडा। ठीक है, फिर 18th नंबर पे NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बना था, फिर आपका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, देन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब हुडको, एंड नाउ मजगांव शिप बिल्डर लिमिटेड। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएगा, एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है MDL के, आंसर हो जाएगा संजीव सिंघल। डन, अब एक और न्यूज आती है, एक और कंपनी है जिसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया गया है, कौन सी कंपनी है वो, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस कैटेगरी 1। तो यहां पर आप देखेंगे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस द ग्रांट ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस फॉर द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एट इट्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन गाजियाबाद। ठीक है, पहले ये आपकी जो कंपनी थी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अप्रॉक्सीमेटली 58 करोड़ रुपीस बताया जाता है, और इन्होंने गवर्नमेंट को लास्ट जो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है उन्होंने उसमें डिविडेंड भी दिया है। डिविडेंड आप तभी दे सकते हो ना जब आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि लाभांश को तो ही डिविडेंड बोलते हैं, तो लगातार 3 सालों से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड भी दे रही है, इसलिए इसे मिनी रत्न स्टेटस 1 या कैटेगरी 1 कंपनी की लिस्ट में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में, तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन प्रकाश जैन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कुछ कंडीशंस होती हैं, आंसर है यस, यहाँ भी मिनी रत्न कैटेगरी कंपनी 1 और 2 बनने के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले बात करते हैं 1 के बारे में। ठीक है, तो 1 के लिए कंडीशन ये होती है कि आप प्रॉफिटेबल कंपनी होना चाहिए पास्ट 3 इयर्स में, 3 सालों में आपको ने प्रॉफिट अर्न किया हो पहली चीज। इसके अलावा आपका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 30 करोड़ होना चाहिए इन द लास्ट 3 इयर्स। तो कोई भी कंपनी मिनी रत्न कंपनी बन सकती है, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में बात हो रहे हैं। ठीक है,
अगर हम कैटेगरी टू की बात करें तो इसमें अगेन प्रॉफिटेबल होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में और बस पॉजिटिव नेट वर्थ होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कुछ अभी नहीं क्राइटेरिया है कि आपको इतना ही प्रॉफिट अर्न करना है, नहीं, आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए, आपकी पॉजिटिव नेट वर्थ होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और आप गवर्नमेंट के बजट पर डिपेंड नहीं होगे क्योंकि गवर्नमेंट आपको बजट नहीं देगी कंपनी को रन करने के लिए, आपको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन है उस केस में आपको कैटेगरी टू कंपनीज देखने को मिलती हैं। डन, चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के मामले में, ठीक है। तो रिसेंटली सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक डेटा को रिलीज किया और इस डेटा में क्या बताया कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो कि इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट में काम कर रहा है और ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर है, ठीक है। इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 24% प्रोडक्शन आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो हमें याद क्या रखना है कि उत्तर प्रदेश एक लीडिंग स्टेट है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के मामले में, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम आपको प्लांट मुजफ्फरनगर, मेरठ एंड सहारनपुर में देखने को मिल जाएंगे। इसका क्रेडिट जाता है स्टेट की बायो एनर्जी पॉलिसी को। स्टेट ने 2022 से लेकर 2027 के लिए एक स्टेट बायो एनर्जी पॉलिसी को रेडी किया जिसके अंदर कई सारे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को सेटअप किया जाएगा जिसके लिए बजट 750 करोड़ रुपीज़ है, जिसके कारण ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है एंड उत्तर प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ई गवर्नेंस। तो 27th नंबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पर होगी? मुंबई, महाराष्ट्र में होगी 8 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में। इसकी थीम क्या है? तो शेपिंग सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी, आपको ये थीम देखने को मिलेगी। इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो ऑर्गेनाइज कराता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक ग्रीवेंस। इसके अलावा जो पर्टिकुलर स्टेट इसको होस्ट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड मैत्री डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके इस इवेंट को होस्ट करेंगे अगस्त में। जब इस इवेंट को होस्ट किया जाएगा तो उस पे कुछ अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कि अलग अलग जो मिनिस्ट्री हैं या स्टेट है वो उनका परफॉर्मेंस क्या है इन द फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें आपको डिसाइड किया गया है कि हम 9 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 1 जूरी मेडल अवार्ड करेंगे, मतलब जूरी अवार्ड देंगे आने वाले इस इवेंट में, ठीक है। तो अगस्त में जब इवेंट हो जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे किसको कौन सा अवार्ड यहां पर मिला है। नेक्स्ट है ई साक्षी पोर्टल। रिसेंटली ई साक्षी पोर्टल न्यूज में था, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि न्यूज में क्यों है, फिर हम इसको जानेंगे कि ई साक्षी पोर्टल कब लॉन्च किया गया, क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड वर्कशॉप ऑन द ई साक्षी पोर्टल। तो ई साक्षी पोर्टल पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। क्यों की गई थी? फॉर रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर द एमपी लेड स्कीम। एमपी लेड स्कीम सेवरल टाइम आपको न्यूज में देखने को मिलती है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेड स्कीम का फ्लो, फंड फ्लो को रिवाइज करने के लिए एक वर्कशॉप यहाँ पे करी गई है और ई साक्षी पोर्टल पे ये वर्कशॉप की है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने। अभी जो एमपी लेड स्कीम है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि रन होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर जो हमारे देश में एमपीज होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपीज यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं अपने एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। टोटल जो फंड अलॉट होता है वो 4,000 करोड़ रुपीज का फंड आपको देखने को मिल जाएगा जिसका यूज यहां पर अलग अलग वर्क को या अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क को करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। ये जो फंड अलॉट होता है 5 करोड़ रुपीस का, ये फंड आपका नॉन लैप्सिबल होता है, मतलब ये एक साल के अंदर खर्च नहीं हुआ तो गायब नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें कहा जाता है कि जो एम्पीलेट फंड है उसका लगभग 15% आपको शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन और 7.5% आपको शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन वाले एरियाज में खर्चा करना है और उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। ई साक्षी पोर्टल को 2023 में लॉन्च किया गया था जिससे हमें पता लग सके कि जो एमपी लेट फंड में एमपीज को फंड दिया जा रहा है उनमें क्या इंप्लीमेंटेशन वर्क हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है स्किन बैंक फैसिलिटी।
रिसेंटली इंडियन आर्मी ने स्किन बैंक फैसिलिटी को लॉन्च किया है. ओके, तो इंडियन आर्मी स्किन बैंक वॉज लॉन्च टू हेल्प ट्रीट सीवियर स्किन बर्न. तो अगर बहुत ज़्यादा स्किन जल जाती है आर्मी पर्सनल्स की या उनके फैमिली मेम्बर की, या स्किन की कोई डिसीज हो जाती है, तो उस केस में स्किन को चेंज किया जा सके. तो एक स्किन बैंक को बनाया गया है इंडियन आर्मी ने. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फैसिलिटी इस्टेब्लिश्ड इन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस. ठीक है, जिसमें यहाँ पे ट्रेंड मेडिकल स्टाफ और आपको प्लास्टिक सर्जन देखने को मिलेंगे, जो इजिली यहाँ पे स्किन को ट्रांसफर कर सकते हैं. स्किन बैंक फैसिलिटी क्या होती है, तो इसमें लिखा है कि स्किन इज टेकन फ्रॉम द एलिजिबल डोनर. तो जो भी एलिजिबल डोनर है उनसे स्किन को ले लिया जाता है, उसे प्रोसीड किया जाता है, उसे स्टोर किया जाता है मिनिमम टेम्परेचर पे, और 5 ईयर तक इसको स्टोर किया जा सकता है. और कोई भी आर्मी पर्सनल या उनके फैमिली मेंबर है जिनको स्किन की ज़रूरत है, अगर सीवियर बर्न हो चुकी है बॉडी या फिर कोई इंजरी हो गई है, कोई स्किन डिसीज हो गया, तो ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकेगा. ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से हैं, तो देखो कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई और स्टिल वो डेथ के पहले वो चाहता था कि उसकी बॉडी को डोनेट किया जाए या उसके स्किन को डोनेट किया जाए, तो बिल्कुल डेथ के 6 आवर बाद तक स्किन को डोनेट किया जा सकता है. कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 ईयर या 18 ईयर के अबव है वो यहाँ पे अपनी स्किन को डोनेट कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी नहीं होना चाहिए, एड्स नहीं होना चाहिए, स्किन कैंसर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे अगर केसेस हैं तो उनकी बॉडी को, मतलब उनके स्किन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो फिट नहीं है डोनेशन के लिए. ठीक है, डन इतनी चीज़ें. और ये जो स्किन आपने प्रिजर्व की है इसको 85% ग्रिस्लोर सॉल्यूशन में रखा जाता है, और ये लगभग 5 ईयर तक, अप टू 5 ईयर तक आप इसको रख सकते हो. ठीक, नेक्स्ट है जयपुर मिलिट्री स्टेशन, सेकेंड मिलिट्री स्टेशन टू हैव अ प्लास्टिक वेस्ट रोड. तो रिसेंटली जयपुर मिलिट्री स्टेशन ने एक 100 मीटर लॉन्ग रोड बनाई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट से तैयार है, और ये सेकेंड नंबर की रोड है जो कि मिलिट्री स्टेशन पे बनाई गई है प्लास्टिक वेस्ट से. इसके पहले अगर आप देखोगे तो गुवाहाटी असम के मिलिट्री स्टेशन में इस तरीके की रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया था. तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन हैज बिकम द सेकेंड मिलिट्री स्टेशन इन द कंट्री टू हैव अ रोड मेड ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट. और पहला मिलिट्री स्टेशन जिसने प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाई थी वो है नारंगी मिलिट्री स्टेशन गुवाहाटी असम में 2019 में. ये जो रोड बनाई गई है ये 100 मीटर लॉन्ग है. ठीक है, इतनी चीज़ें. और इसका कंस्ट्रक्शन इंडियन आर्मी और इसके अलावा डीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर किया हुआ है. 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया था कि आप प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे ऑन द पायलट बेसिस. ऑलरेडी चेन्नई, दिल्ली, जमशेदपुर, पुणे, इंदौर, लखनऊ जैसे सिटीज में प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल करके रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया है. अब प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाई जा सकती है, इस टेक्नोलॉजी को या किसी ने तो इसका ओरिजिन कहीं से तो हुआ होगा. बिल्कुल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर वासुदेवन के बारे में. तो प्रोफेसर वासुदेवन ने इस टेक्नोलॉजी को पर काम किया था. इन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. ठीक है, और इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2018 में. ठीक है, फर्दर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पर्सन से डिस्कस करने से पहले, कल सीपीओ का एग्जाम था और आज भी सीपीओ का एग्जाम है. सीपीओ में क्या होता है, 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे, और यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न है कि हर एक शिफ्ट में 50 50 50, मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब सारे सब्जेक्ट हैं. तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें डिटेल एनालिसिस किया था जनरल अवेयरनेस का 27 जून के सभी शिफ्ट का. ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि हिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी के कैसे आए हैं, स्टैटिक के कैसे क्वेश्चन आए हैं. अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, इससे आपको आइडिया होगा कि एसएससी का भी ट्रेंड क्या चल रहा है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको थोड़ी सी हेल्प होगी कि हमें कौन से टॉपिक को स्पेशली पढ़ना है. और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं ना, वो पॉलिटी से पूछे गए हैं. हर एक सेट में 5 से 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन हर एक सेट में पॉलिटी से आए हुए हैं. और यहाँ पे मैंने टॉपिक भी डिस्कस किए हुए हैं कि कौन से टॉपिक आपके पॉलिटी के पढ़ने हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं. ठीक है, तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा, कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे किया गया है. ठीक है, बस 27 जून का ही करूंगी, 28 या 29 जून का करंट अफेयर्स का, या सॉरी इसका जनरल अवेयरनेस का एनालिसिस नहीं करूंगी, केवल आपको आइडिया देने के लिए कि ये पढ़ना है.
ठीक है, क्योंकि अभी मुझे दूसरे और काम करने हैं, एनालिसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी मैं जनवरी से लेकर जून तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनका वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ, जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल कराने के लिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में। तो पहले पर्सन है कपिल देव। कपिल देव इलेक्टेड एज PGTI प्रेसिडेंट। PGTI मतलब होता है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट बने हैं। हम सभी लोग कपिल देव जी को जानते हैं, इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। और 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो हमारी इंडियन टीम के कप्तान थे कपिल देव जी। तो कपिल देव जी को हम सभी लोग जानते हैं क्रिकेट के लिए, लेकिन ये एक अच्छे गोल्फर भी हैं, गोल्फ भी खेलना जानते हैं। ठीक है, तो इन्हें रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया को। और इन्होंने सक्सीड किसको किया है, तो एच श्रीनिवासन को इन्होंने सक्सीड करने का काम किया है। ठीक है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 2006 में हुआ था। और ये जो बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है हमारे देश के अंदर, जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं रिलेटेड टू द गोल्फ, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम ये पर्टिकुलर बॉडी करती है। चलिए अगला नाम, अगेन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है जो इस पोजीशन पे पहुंची है, फर्स्ट व्यूमेन है। ठीक है, नाम है इनका अक्षा मोहित कंबोज, अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन। तो इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, जिसका फॉर्मेशन 1919 में हुआ था, जब ILO का फॉर्मेशन भी हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और ये पर्टिकुलर बॉडी गोल्ड इंडस्ट्री की पॉलिसी मेकिंग करने में कंट्रीब्यूट करती है। तो इसी बॉडी की वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुई है, जिनका नाम है अक्षा मोहित कंबोज, और ये फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है IBJA की। ठीक है, इसके अलावा ये को ओनर भी है टाइगर्स ऑफ कोलकाता क्रिकेट टीम की। डन इतनी चीजें। अब यहाँ पर इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने अपने बोर्ड मेंबर्स को भी डिसाइड किया है। ठीक है, 2024 से 2029 तक इनका बोर्ड मेंबर भी डिसाइड हुआ है कि इनकी जो बोर्ड के प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे, पृथ्वीराज कोठारी आपको नेशनल प्रेसिडेंट मिलेंगे बोर्ड के। अगले पर्सन है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर। कुछ समय पहले इन्होंने ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, फिर टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया था। फाइनली इन्होंने कहा है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करता हूं। तो याद रखेंगे, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। 2015 में, 2021 में एंड 2023 में जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, उन सभी वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट आपको डेविड वार्नर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए लास्ट में एक अवार्ड और देख लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे टी एच डी सी विंस PSU लीडरशिप अवार्ड फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेंस। यहां पर बात हो रही है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में बात हो रही है, जिसका फॉर्मेशन 1988 में हुआ था। और आपकी मिनी रत्न कैटेगरी वन कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जिसका अगर आप देखोगे इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, तो ये आपका जॉइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 25% और सेंट्रल गवर्नमेंट के 75% शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जॉइंट वेंचर कंपनी आपको मिल जाएगी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसके CMD RK विश्नोई हैं। और इस कंपनी ने रिसेंटली PSU लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 जीता है इन द कैटेगरी ऑफ लीडरशिप एंड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, अटल पेंशन योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अवार्ड किसको मिला है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को मिला है। फिर पहले पर्सन जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है इंडिया के पहले हैं, आंसर हो जाएगा विनोद गंतारा। फिर वी सांता नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने के कारण किसे मिला है, एस नल्लामुथी को मिला है। एंड रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड RBI को दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड भी हमने रिसेंटली डिस्कस किए थे। चलिए अब यहाँ पे एक बैंकिंग न्यूज है, उसको भी हम देखेंगे। ICICI बैंक ने अनवील किया है स्मार्ट लॉक।
आ न्यू सेफ्टी फीचर फॉर आई मोबाइल पे। आईसीआईसीआई बैंक का एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है आई मोबाइल पे, और इसमें एक एडिशनल सेफ्टी फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है स्मार्ट लॉक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने स्मार्ट लॉक को लॉन्च किया है। सिमिलर यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट वेल्थ को लॉन्च किया है। स्मार्ट वेल्थ ये किसका है? एचडीएफसी बैंक का है। और स्मार्ट लॉक किसका है? आईसीआईसीआई बैंक का है। ये स्मार्ट लॉक क्या होता है? तो यहाँ पे कस्टमर्स को बिना मतलब जो भी कस्टमर है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, तो हम अपने जो फाइनेंशियल फीचर्स हैं उनको लॉक या अनलॉक कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट के बिना। तो आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च अ स्मार्ट लॉक, अ नोबल सेफ्टी फीचर दैट लेट्स यूजर लॉक एंड अनलॉक सेवरल बैंकिंग सर्विस। जैसे कि मैं अपने यूपीआई को लॉक करना चाहती हूँ, यूपीआई को अनलॉक करना चाहती हूँ, या इंटरनेट बैंकिंग को लॉक या अनलॉक करना चाहती हूँ, तो वो सारे फीचर्स हम यहाँ पे कर सकते हैं एट वंस विदाउट कॉन्टेक्टिंग कस्टमर सपोर्ट बाय द फोन और ईमेल। इसके अलावा पूरा का पूरा जो आई मोबाइल पे है उसको भी अनलॉक और लॉक किया जा सकता है यूजिंग द स्मार्ट लॉक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का फॉर्मेशन 1994 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, एंड संदीप बाक्षी आपको एमडी एंड सीईओ मिल जाएंगे, और हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है। ओके है जी, चलो अब कुछ और बातें करेंगे लेकिन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन है, इन जून 2024 S&P ग्लोबल ने भारत की GDP फॉरकास्ट की है फॉर FY25। तो FY25 के लिए अकॉर्डिंग टू द S&P भारत का ग्रोथ कितना रहेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6.8। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली FY25, FY26 और FY27 के लिए ग्रोथ रेट को फॉरकास्ट किया है। 25 के लिए 6.8% कहते हैं, 26 के लिए 6.9% कहते हैं, और 27 के लिए 7% कहते हैं अकॉर्डिंग टू S&P। ठीक है, इतनी चीज़ें ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बन गया है? तो NS राजा सुब्रमणि आपको देखने को मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, ऑप्शन डी। कल मैंने आपको वी कोर के बारे में बताया था, ओलंपिक्स डे में इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय द PT उषा। ठीक है, तो भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन कहां पर इनॉग्रेट किया है? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, विच UT हैज बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? सो आंसर इज लक्षद्वीप या लद्दाख। हाँ जी, लद्दाख इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन जून 2024 विच कंट्री हैज बिकम द 100th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज अ फुल मेंबर? ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि नेपाल 119 नंबर की कंट्री बन गया है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क को रेटिफाई किया है, ना कि ज्वाइन किया है, रेटिफाई किया है। ठीक है, सिमिलर मैंने डिस्कस किया था अबाउट द स्पेन 99th नंबर की कंट्री बन गया था जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फुल टाइम ज्वाइन किया था, ये ज्वाइनर है। सिमिलर यहाँ पे 100th नंबर की कंट्री पूछी जा रही है जिसने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फुल टाइम ज्वाइन किया है, और ये कंट्री आपकी परग्वे है। ठीक है, इतनी चीज़ें। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन COP21 मीटिंग में, मतलब जब ये पेरिस में मीटिंग हो रही थी 2015 में, इसको बनाया गया था, और ये इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब केन्या गवर्नमेंट कुछ तो भी कर रही है, क्या कर रही है ज़रा देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि जो इंडियन क्रोज है, हमारे जो कौए हैं, ठीक है, वो केन्या पहुंच गए। एक्चुअली इंडिया में पाए जाते थे, वेस्टर्न एशिया में पाए जाते थे, और जब शिपिंग रूट होता है तो शिपिंग रूट के जरिए शिप में बैठे चलो लंबा यात्रा करने जाते हैं, और केन्या पहुंच गए। ठीक है, तो केन्या में हमारे इंडियन क्रोज पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना पॉपुलेशन को इंक्रीज किया, और आज इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और एक क्रो क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो पब्लिक प्रमाइसेज होते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि कौए बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। इसके अलावा जो आपके नेटिव स्पीसीज हैं, वहाँ के जो बर्ड्स हैं, उनके जो नेट्स होते हैं, उनके जो एग्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं। इसके कारण जो हमारे नेटिव बर्ड्स हैं उनको खतरा है, इसलिए हम यहाँ पे इनके मिलियंस ऑफ हाउसेस को तोड़ रहे हैं, ऐसा केन्या गवर्नमेंट ने कह दिया। सो केन्या गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस एन एक्शन प्लान
to eliminate a million Indian house crow by the end of 2024. ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं लोकल इकोसिस्टम पे, ऐसा इन्होंने कहा है, स्पेशली इन द केन्या कोस्टल रीजन. डन, क्योंकि ये जो क्रो होते हैं, ये जो इंडेंजर लोकल बर्ड स्पीसीज है, उनको अपना शिकार बनाते हैं, उनके घोंसलों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके अंडों को भी तोड़ देते हैं, इसके कारण ये एक्शन लिया जा रहा है. डन, चलिए नेक्स्ट है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने रिसेंटली 2 new standard IS ये स्टैंडर्ड के नाम है जो हमें याद नहीं करने हैं, तो 2 नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सेफ्टी को इन्हांस करने के लिए 2 नए स्टैंडर्ड लॉन्च किए हैं L, M, N, N कैटेगरी में. कौन से व्हीकल्स के लिए? तो ये स्टैंडर्ड आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लॉन्च किए गए हैं बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे. अ मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी ओम बिरला वॉज री इलेक्टेड स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा. हमने रिसेंटली डिस्कस किया था अबाउट द 18th लोकसभा. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर ऑफ द लोकसभा आर टू इलेक्ट अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द हाउस. कौन से आर्टिकल में कहा है कि मेंबर ऑफ हाउस के बीच में से ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा? 4 आर्टिकल है, आपको बस सही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. तो अगर सारी बातें क्लियर हो गई है तो लिंक को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो मिलते हैं बाद में, टेक केयर एंड बाय.